અમે આપને આ સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટીથી દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યાં રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદની સાથે અન્ય જે મહાનુભાવો પણ હાજર રહ્યા છે તેમનું ખાસ વિશેષ સ્વાગત અત્યારે ત્યાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી રામાનુજાચાર્યના અવતરણના 1000 વર્ષ થવા પર સહસ્રાબ્દી સમારોહની ઉજવણી અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે અને એ જ ઉજવણીના ઉપલક્ષમાં અત્યારે ત્યાં જે વિશાળ વિશ્વની બીજા નંબરની જે આ બેઠેલી મૂર્તિ છે, સિટિંગ સ્ટેચ્યુ છે, તેનું ઉદ્ઘાટન થયું હતું અને એ જ તમામ કાર્યક્રમના ઉપલક્ષમાં કેટલાય અલગ અલગ જે મહાનુભાવો છે તેઓ પણ ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે. સૌથી પહેલાં વડાપ્રધાને આ મૂર્તિનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, ત્યારબાદ અમિત શાહ પણ ત્યાં પહોંચ્યા, રાજનાથસિંહ પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને એવી જ રીતે અત્યારે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે. ઓનરેબલ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ટુ એડ્રેસ ધ ગેધરિંગ હિયર. इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज टी श्रीनिवास यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम और एक जिन्होंने इस देश में श्री रामानुजाचार्य की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण स्थापना करके जो देश में इतिहास रचा है, ऐसे श्री श्री जीयर स्वामी जी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रामेश्वर राव जी, इस आयोजन से जुड़े मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित संत समाज, देवी और सज्जनों, जय श्री मन्नारायण, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते राम रामानुजाय नमः. भारत के गौरवशाली इतिहास में भक्ति और समता के सबसे महान ध्वजवाहक भगवत रामानुजाचार्य की सहस्राब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर श्री रामानुज के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ. इस समारोह में भाग लेना तथा भगवत रामानुजाचार्य की स्वर्णिम प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है. विगत 5 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था. मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा. यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है. ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टा द्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है. इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी जा सकती. गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित
तेलंगाना की प्रत्येक यात्रा मेरे लिए विशेष महत्व रखती है, लेकिन आज की इस यात्रा के दौरान मुझे देश की आध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा के एक महान अध्याय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूयश्च सर्वदा सतात, अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया, लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं श्री रंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंघाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री रामानुजाज विशिष्ट द्वैत इज नॉट ओनली ए सिंगुलर कंट्रीब्यूशन टू फिलॉसफी, बट ही ऑल्सो शोड द रेलिवेंस ऑफ फिलॉसफी इन डे टू डे लाइफ। वट इज कॉल्ड फिलॉसफी इन द वेस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए सब्जेक्ट ऑफ ओनली स्कॉलरली स्टडी, बट वट वी कॉल दर्शन is not a matter of dry analysis. It is a way of looking at the world and also a way of life. That has always remained true in India, thanks to philosopher saints like Sri Ramanujacharya. Devi aur Sajjano, Sri Ramanujacharya ne Dakshin ki samradh bhakti parampara ko visheshkar आलवार संत कवियों की परंपरा को बौद्धिक आधार प्रदान किया। जैसा कि सर्व विदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के 53 आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने ही किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार होता है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत भी नहीं होती। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज व्यवस्था में समता का संचार किया। उन्होंने वेदांत की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी और इस भक्ति भाव को प्रपत्ति का नाम दिया। उन्होंने भक्ति द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, Saint poets and philosophers like Sri Ramanujacharya have created and nurtured India's cultural identity, cultural continuity and cultural unity. They have built the concept of a nation based on cultural values. This culture-based concept of nation is different from how it is defined in the Western thought. References to the bhakti tradition that united